बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैं पाकिस्तान कराची से हमारा बात कर रही हूँ। हसरत जी से बात हो सकती है? जी बिल्कुल, आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हसरत जी। वालेकुम सलाम। जी है ना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे, आपको इस काम का सिला दे और आपको लंबी जिंदगी अता करे साहब के साथ। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ आपको। अच्छा, मेरा एक मसला था आपसे, मैंने शेयर किया था कि आपने मुझे रिश्ते के लिए सूरह मुमतहना पढ़ने को दिया था। अब मैंने वो 41 डेज पूरा कर लिया, एक महीना भी हो गया, ऊपर हो गया, लेकिन अब मैं ख्वाब में ऐसे दिखती हूँ कि ना घर के बाहर एक कुत्ता है जख्मी हालत में। फिर इसके बाद मैंने देखा कि मैं कमरे में हूँ, कमरा बंद है और बहुत सारे ना सांप के बच्चे हैं काले कलर के। इसके बाद मैंने आज सुबह फिर देखा फजर से पहले कि मेरा जो बुक्स का कबर्ड है वहाँ पे ना छिपकली होती है, मैं छिपकली को मारती हूँ तो वो ना बुक्स में जाके छुप जाती है। तो इस तरह के मैं ख्वाब देख रही हूँ, तो आप रहनुमाई फरमाए इस बारे में। जी शुक्रिया, माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप पाकिस्तान कराची से कॉल कर रही हैं, हमारा प्रोग्राम देखती हैं, फ़ायदा उठाती हैं। हम आपके लिए और दुआगो हैं कि अल्लाह आपको खूब बरकतें और आपका नसीब रोशन करे। बाकी जो है वो सूरह मुमतहना के दौरान में आपने ख्वाब देखे हैं, इसका मतलब है कि जो भी रुकावटें बंदिशें दूर हो रही हैं, छिपकलियाँ देखने का मतलब कोई चुगलखोर किस्म के जो वो लोग हैं जो नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब दफ़ा हो रहे हैं और आपको बेनिफिट और नफ़ा हो रहा है। लिहाजा आप सूरह मुमतहना का अमल जो है जारी रखें, या ये कि आप दूसरा अमल भी शुरू कर लें, सूरह फुरकान की आयत नंबर 74, सूरह फुरकान आयत नंबर 74 ये 41 मरतबा ईशा के बाद पढ़ लें, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इंशाल्लाह अच्छा और नेक रिश्ता आपको मिल जाएगा और तय भी हो जाएगा, आपका नसीब बहुत अच्छा होगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।